आज आज एकादशी एकादशी है, है जिसे जिसे पुत्रदा पुत्रदा एकादशी एकादशी के के नाम नाम से से जाना जाना जाता जाता है। है। यह यह संतान संतान सुख सुख और और पुत्र पुत्र पौत्र पौत्र का का वरदान वरदान देने देने वाली वाली होती होती है। है। इसके इसके सुंदर सुंदर व्रत व्रत कथा कथा का का श्रवण श्रवण इस इस वीडियो वीडियो में में करेंगे करेंगे देर देर न न करते करते हुए हुए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। मेरे मेरे साथ साथ आप आप सभी सभी भी भी बोलिए बोलिए ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। महाराज महाराज युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने ने पूछा पूछा कि कि हे हे भगवान, भगवान, आपने आपने सफला सफला एकादशी एकादशी का का महत्व महत्व मुझे मुझे बताया। बताया। कृपया कृपया करके करके आप आप पौष पौष शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष की की जो जो एकादशी एकादशी है है उसका उसका क्या क्या विधान विधान है, है, क्या क्या उसका उसका महत्व महत्व है, है, क्या क्या उसका उसका नियम नियम है है और और कौन कौन से से देवता देवता का का पूजन पूजन किया किया जाता जाता है। है। हे हे मधुसूदन, मधुसूदन, हे हे भगवान भगवान कृष्ण, कृष्ण, कृपया कृपया करके करके मुझे मुझे बताए। बताए। तब तब जो जो है है भगवान भगवान श्री श्री कृष्ण कृष्ण बोले, बोले, हे हे राजन, राजन, इस इस धरती धरती का का एकमात्र एकमात्र सबसे सबसे सुंदर सुंदर ब्रह्मांड ब्रह्मांड का का सबसे सबसे प्रेम प्रेम पूर्वक पूर्वक किया किया जाने जाने वाला वाला व्रत व्रत सबसे सबसे उत्तम उत्तम व्रत व्रत एकादशी एकादशी का का व्रत व्रत है। है। इस इस व्रत व्रत का का नाम नाम जो जो है है जो जो पौष पौष माह माह में में पड़ती पड़ती है है उसका उसका नाम नाम पुत्रदा पुत्रदा एकादशी एकादशी है। है। इसमें इसमें भी भी नारायण नारायण भगवान भगवान की की ही ही पूजा पूजा की की जाती जाती है। है। इस इस चल चल और और अचल अचल संसार संसार में में पुत्रदा पुत्रदा एकादशी एकादशी के के समान समान दूसरा दूसरा कोई कोई व्रत व्रत नहीं नहीं है। है। इसके इसके पुण्य पुण्य से से मनुष्य मनुष्य तेजस्वी तेजस्वी विद्वान विद्वान लक्ष्मीवान लक्ष्मीवान होता होता है। है। और और मैं मैं इसकी इसकी कथा कथा कहता कहता हूँ, हूँ, आप आप सभी सभी ध्यान ध्यान से से सुने। सुने। कथा कथा इस इस तरह तरह से से है, है, भद्रावती भद्रावती नामक नामक नगरी नगरी में में सुकेतु सुकेतु माल माल नाम नाम का का एक एक राजा राजा राज्य राज्य करता करता था। था। भक्तजनों, भक्तजनों, उसके उसके कोई कोई पुत्र पुत्र नहीं नहीं था, था, उसकी उसकी स्त्री स्त्री का का नाम नाम शैव्या शैव्या था। था। वह वह निपुत्री निपुत्री होने होने के के कारण कारण सदैव सदैव चिंतित चिंतित रहा रहा करती करती थी। थी। राजा राजा के के पित्र पित्र भी भी रो 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 कर कर पिंड पिंड लिया लिया करते करते थे थे और और सोचा सोचा करते करते थे थे कि कि इसके इसके बाद बाद हमें हमें कौन कौन पिंड पिंड देगा। देगा। राजा राजा को को भाई भाई बांधव बांधव धन धन हाथी हाथी घोड़ा घोड़ा राज राज मंत्री मंत्री इन इन सब सब में में भी भी कोई कोई भी भी सुख सुख प्राप्त प्राप्त नहीं नहीं हो हो रहा रहा था। था। भक्तजनों, भक्तजनों, वह वह सदैव सदैव ही ही यही यही विचार विचार करता करता था था कि कि मेरे मेरे मरने मरने के के बाद बाद मुझको मुझको कौन कौन पिंड पिंड दान दान करेगा। करेगा। भक्तजनों, भक्तजनों, बिना बिना पुत्र पुत्र के के पितरों पितरों और और देवताओं देवताओं का का ऋण ऋण भी भी मैं मैं कैसे कैसे चुका चुका पाऊंगा। पाऊंगा। जिस जिस घर घर में में पुत्र पुत्र न न हो हो उस उस घर घर में में सदैव सदैव अंधेरा अंधेरा रहता रहता है। है। इसलिए इसलिए पुत्र पुत्र उत्पत्ति उत्पत्ति के के लिए लिए कोई कोई जो जो है है यत्न यत्न बताओ, बताओ, ऐसा ऐसा वह वह प्रार्थना प्रार्थना करने करने लगा। लगा। जिस जिस मनुष्य मनुष्य को को पुत्र पुत्र का का मुख मुख देखा देखा है है वह वह धन्य धन्य है, है, जिसको जिसको इस इस लोक लोक में में यश यश और और परलोक परलोक में में शांति शांति मिलती मिलती है, है, अर्थात अर्थात उसके उसके दोनों दोनों लोक लोक सुधर सुधर जाते जाते हैं। हैं। पूर्व पूर्व जन्म जन्म के के कर्म कर्म से से ही ही इस इस जन्म जन्म में में पुत्र पुत्र धन धन आदि आदि प्राप्त प्राप्त होते होते हैं। हैं। राजा राजा इसी इसी प्रकार प्रकार रात रात दिन दिन चिंता चिंता में में लगा लगा रहता रहता था। था। भक्तजनों, भक्तजनों, एक एक समय समय तो तो राजा राजा ने ने अपने अपने शरीर शरीर को को त्याग त्याग देने देने का का निश्चय निश्चय किया, किया, परंतु परंतु आत्मघात आत्मघात को को महान महान पाप पाप समझकर समझकर उसने उसने ऐसा ऐसा नहीं नहीं किया। किया। एक एक दिन दिन राजा राजा ऐसा ऐसा ही ही विचार विचार करता करता हुआ हुआ अपने अपने घोड़े घोड़े पर पर चढ़कर चढ़कर वन वन की की ओर ओर चल चल दिया दिया था। था। पक्षियों पक्षियों और और वृक्षों वृक्षों को को देखकर देखकर लगा, लगा, उसने उसने देखने देखने लगा लगा और और उसने उसने देखा देखा कि कि वन वन में में मृग, मृग, बाघ, बाघ, सुअर, सुअर, सिंह, सिंह, बंदर, बंदर, सर्प सर्प आदि आदि भ्रमण भ्रमण कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाथी हाथी अपने अपने बच्चों बच्चों और और हथनियों हथनियों के के बीच बीच घूम घूम रहा रहा है। है। इस इस वन वन में में कहीं कहीं तो तो गीदड़ गीदड़ अपने अपने कर्कश कर्कश स्वर स्वर में में बोल बोल रहा रहा है, है, कहीं कहीं उल्लू उल्लू ध्वनि ध्वनि कर कर रहा रहा है। है। भक्तजनों, भक्तजनों, वन वन में में इस इस दृश्य दृश्य को को देखकर देखकर राजा राजा सोच सोच विचार विचार में में लग लग गया। गया। इस इस प्रकार प्रकार आधा आधा दिन दिन बीत बीत गया। गया। वह वह सोचने सोचने लगा लगा कि कि मैंने मैंने कई कई यज्ञ यज्ञ किए, किए, ब्राह्मणों ब्राह्मणों को को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भोजन से से भी भी तृप्त तृप्त किया किया है, है, फिर फिर मुझे मुझे यह यह दुख दुख क्यों क्यों मिल मिल रहा रहा है। है। इसके इसके पश्चात पश्चात भक्तजनों, भक्तजनों, राजा राजा प्यास प्यास के के मारे मारे अत्यंत अत्यंत दुखी दुखी हो हो गया गया और और पानी पानी की की तलाश तलाश में में इधर इधर उधर उधर घूमने घूमने लगा। लगा। थोड़ी थोड़ी दूर दूर पर पर राजा राजा ने ने एक एक सरोवर सरोवर देखा। देखा। उस उस सरोवर सरोवर में में कमल कमल खिले खिले हुए हुए थे थे तथा तथा सारस, सारस, हंस, हंस, मगरमच्छ मगरमच्छ आदि आदि विहार विहार कर कर रहे रहे थे। थे। उस उस सरोवर सरोवर के के चारों चारों तरफ तरफ मुनियों मुनियों के के आश्रम आश्रम बने बने हुए हुए थे। थे। सारस, सारस, हंस, हंस, मगरमच्छ मगरमच्छ आदि आदि विहार विहार कर कर रहे रहे थे। थे। उस उस सरोवर सरोवर के के चारों चारों तरफ तरफ मुनियों मुनियों के के आश्रम आश्रम भी भी बने बने हुए हुए थे। थे। भक्तजनों, भक्तजनों, उसी उसी समय समय राजा राजा के के दाहिने दाहिने अंग अंग फड़कने फड़कने लगे। लगे। राजा राजा शुभ शुभ शकुन शकुन समझकर समझकर घोड़े घोड़े से से उतरकर उतरकर मुनियों मुनियों को को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम करने करने के के लिए लिए बैठ बैठ गया। गया। राजा राजा को को देखकर देखकर मुनियों मुनियों ने ने कहा कहा कि कि हे हे राजन, राजन, हम हम तुमसे तुमसे अत्यंत अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न हैं, हैं, कृपया कृपया करके करके तुम्हारी तुम्हारी जो जो इच्छा इच्छा है है हमसे हमसे कहो। कहो। राजा राजा ने ने पूछा, पूछा, महाराज महाराज आप आप कौन कौन हैं? हैं?
आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल की ओर वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। भक्तजनों, वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर यशस्वी प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है, सुनता है, अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से पुत्रदा एकादशी का यह व्रत कथा थी। आप सभी ने इसका श्रवण किया, आपका धन्यवाद। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।